उधमपुर जिले में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल उधमपुर जिला अस्पताल में 4 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत अस्पताल में इन मशीनों को लगाया गया है। डायलिसिस एक महंगी प्रक्रिया है, जिस कारण गरीब मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। डायलिसिस यूनिट में जो है डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस शुरू कर दिया है। इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है, और जहां तक बीपीएल लोगों का प्रश्न है, हम बीपीएल पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अस्पताल में इन मशीनों के लगने से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा न होने की वजह से किडनी के मरीजों को अक्सर इलाज के लिए जम्मू या कभी कभी दिल्ली भी जाना पड़ता था। का डायलिसिस हो रहा है, और यहाँ पे ये यूनिट खुलने से यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। क्यों फायदा इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जाना पड़ता था कटरा डायलिसिस के लिए, और बीच में जम्मू भी जाना पड़ता था, दिल्ली भी जाना पड़ता था। चरमराई व्यवस्था की वजह से राज्य का स्वास्थ्य विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है। उधमपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनें लग तो गई हैं, लेकिन क्या इन मशीनों से गरीब मरीजों को इलाज मिल पाएगा? ये एक अपने आप में चुनौती भी है, क्योंकि जिस शहर में चप्पे चप्पे पर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक खुले हों, वहाँ ऐसे सवाल उठना लाजमी है। और साथ ही कई बार देखा भी गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिस्टम की लापरवाही वजह से करोड़ों की मशीनें बंद पड़ी रहती हैं। उधमपुर से जम्मू लिंक्स के लिए अंकेश शर्मा की रिपोर्ट।